तुम में अक्ल है या नहीं? तुम्हारे पापा की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई तुमने एक ही दिन में उड़ा दी। मैंने अपना फर्ज निभाया है, इसे अपना फर्ज निभाने दो। जब तक जिंदा हूं बाप का फर्ज निभाता रहूंगा। इससे कह दो कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी अर्थी को कंधा देने ना आए। ये तो जिंदगी भर जिम्मेदार नहीं बनने वाला। अगर ये जिम्मेदार होता तो एक बाइक पर इतना पैसा बर्बाद नहीं करता। अरे ऐसे कैसे बर्बाद कर दिए? कुछ भी बोल रहे हो, इंटरव्यू के लिए टाइम पे नहीं पहुंचा तो नौकरी नहीं मिलेगी, आपको मालूम है। मम्मी बाइक की चाबियों को अपने हाथ से आशीर्वाद दो ना। बाइक लेके मुझे लगा कि मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा वो सपना बुरे सपने में बदलने वाला है। ए, इस टेम्पो में क्या है? मिर्ची है। उसके अलावा क्या है? ये इंक्वायरी का क्या नाटक है? नया कमिश्नर आया है, उसका ऑर्डर है। कमिश्नर नया है, तू तो पुराना है ना, तेरे को रूल्स पता है ना, काम में नाक नहीं घुसेड़ने का। अपनी औकात में रह, तेरे मुंह पे पैसे फेंकते हैं, जो बोलता हूँ चुपचाप कर। अच्छा ज्ञान दे रहा है। कांस्टेबल सबको थाने ले चलो। क्या हुआ साहब, हमारी गाड़ी क्यों रोक दी? तुम्हारे भाई को अकल नहीं है, पुलिस से कैसे बात करते हैं ये जानता नहीं है। पर साहब तुम मुझे जानते हो ना। ये बात नहीं है सत्या, नया कमिश्नर बहुत स्ट्रिक्ट है, किसी ने तुम्हारे स्मगलिंग की टिप दी है। कौन है वो? ये जा जाके भगा उसको। देखो साहब क्या प्रॉब्लम है बे? ये बाइक रास्ते में क्यों पार्क की है? साइड से निकल, चल चल। बाइक सिर्फ दोस्तों के साथ तफरी मारने के काम नहीं आई, बल्कि अच्छी नौकरी ढूंढने के भी काम आई। आज मैंने दिन भर में 30 लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, जिनमें से तुम दोनों को सिलेक्ट किया है। थैंक यू सर। बस मेरा एक आखिरी सवाल है, टू व्हीलर है? नो सर। परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं है? काम नहीं है। ये क्या है, जरा पढ़ दो। भैया की 20,000 की नौकरी लग गई। सब बाइक का कमाल है, उसी वजह से नौकरी मिली है। वॉचमैन एकदम नई बाइक है, ध्यान रखना। थैंक यू। चल मटन बिरयानी बना और उसमें चिकन भी डालना, हांडी भर के पकाना, बहुत भूख लगी है। ये धरती के बोझ आपका सोफा समझा क्या? चल उतर नीचे। जब से ये उला बुला गाड़ी चालू हुआ है अपन का तो धंधा ही बंद हो गया है। हाँ सोच रहा हूँ मैं भी एक डाल दूँ। हाँ वही करना पड़ेगा। ए, 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 मेरा ऑटो लेके कहाँ जा रहे? ए, चोर, रुक, रुक। ए, रोक, 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 ये ऑटो मेरा है। अरे मेरा ऑटो लेके जा कर रहे हो? अब क्या बताऊँ बॉस, बहुत ही अर्जेंट काम था। अच्छा अगर ऑटो चाहिए था तो मुझे बोलते ना। रोज ड्राइवर सीट पर बैठकर पक गए होगे ना, आज सवारी बनने का मजा लो। सवारी बिठाने के बाद मीटर भी तो डालते हैं ना। किराया बाद में एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ क्यों लाए हो, इस बैंक में क्यों लाए हो मुझे? क्योंकि यही वो बैंक है जिसने इस ऑटो के लिए लोन दिया था। मेरे ऑटो की चाबी क्यों निकाली तुमने? बैंक रिकवरी एजेंट, ऑटो का ईएमआई पेंडिंग है समझे? मेरे बच्चे मेरे लाल, मेरे पास था नहीं ना, इसीलिए तो किश्तों में भरने को कहा है। आधा अमाउंट भर दो और इज्जत के साथ अपना ऑटो वापस ले जाओ। मेरा बच्चा,
भगवान देख लेगा तुझे। गुड जॉब, तुम्हारे काम से सब लोग खुश हैं। थैंक यू सर। हमारे बैंक का एक बहुत ही शातिर क्लाइंट है, बैंक से उसने सारे लोन ले रखे हैं लेकिन उसने एक भी ईएमआई नहीं भरी। मैं चाहता हूँ इस क्लाइंट से तुम ही डील करो, ये उसके सारे पेपर्स हैं। जी लानी। क्या नाम है? सपना। सपना इतना भी बुरा नहीं है। आजा। जिलानी। हे भगवान, पुलिस। जिलानी के घर पुलिस आई? यू वेट, आई एम कमिंग। जिलानी, दरवाजा खोलो। बाप रे। होता है या तोड़ू दरवाजा? अरे मर गया, इससे अच्छा तो पुलिस ही होती, क्या करूं? सलाह मेज तुम कबूल करती? तुम कौन है बिरादर? ये जान पहचान बाद में बढ़ाएंगे। जिलानी घर पे है क्या? नहीं, वो बाहर गई। और तुम कौन हो? मैं उसके भाई का भाई का भाई हूँ। ये हमारी दुबई की बेगम हबीबी। आपकी बेगम दुबई की तो नहीं लगती। वही की है, सलाम करो। नमस्ते चिकने राजा। ये क्या दुबई में मेहमान को चिकने बोलते? अरे नहीं, ये है तो नागपाड़ा की। दुबई में आके मेरे यहाँ पे खाना बनाने लगी। ये खाना बड़ा अच्छा बनाती, एक बार खाया तो इसके टेस्ट में मैं फंस गया। हबीबी हबीबी। चुप रहे ठरकी, मेरे धंधे का टाइम हो रहा है, पैसा निकाल, मैं जाऊं। धंधे का टाइम? ये कोई बिजनेस करती है क्या? ये पब्लिक सर्विस करती है ना। हेलो। हाँ राजा बाबू, होटल में आऊं क्या? पहुंच जाऊंगी। ए पैसा निकाल, कस्टमर का फोन था, मेरे को जाने का है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है? वहाँ मेरा दरवाजा खोल के इंतजार हो रहा है। हबीबी तुम ठहरो, मेरा टाइम हो गया, मैं जा रही। अरे मुझे ये बताओ, जिलानी वापस इंडिया आएगा या नहीं? वो तो मेरे को मालूम नहीं होती, लेकिन दुबई से वो ये सोने का बिस्कुट बेचती। देखू तो ये लुखे के पास किधर से आया? ये तो उल्लासनगर का चॉकलेट लग रहा है। इसका मतलब तुम जिलानी हो? नहीं नहीं, मुझे शक हो रहा है। तुमको शक होती? दूर करती, मैं आती। चॉकलेट हीरो लगता है, 1000 का डिस्काउंट दूंगी तेरे को। उसे पकड़ोगी तो 2000 दूंगा। ए ठरकी रुक। मम्मी, मेरी पहली तनख्वाह। जीते रहो बेटा, अपने पापा को दो, बहुत खुश हो जाएंगे। ओवर टाइम पकड़ के 25,000 है, आप ही दे दो ना। सुनिए, वरुण अपनी पहली तनख्वाह आपको देना चाहता है। तुम क्या पोस्टमैन का काम कर रही हो? भगवान के चरणों में रख दो। मम्मी। हाँ। मम्मी, एक 500 रुपए दो ना। मंदिर में रखे हैं, ले लो। अपने हाथों से दो ना। इसे 1000 रुपए दे दो, काम करने वालों को कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ये लो बेटा। अच्छा मम्मी, कल राशन वाले का हिसाब चुका दिया? देखा आपने? तो क्या हुआ, आज पति की कम और बेटे की अहमियत ज्यादा हो गई है? जल्दी कॉफी लेके आओ। कैसी बात करते हो। एक छोटी सिगरेट देना। अरे सुन, मेरे लिए भी एक लेना। ठीक है, दो दे दो। ले। इसके खाते में लिख लो काका। समझ में नहीं आ रहा यार, मेरे पास अब तो बाइक भी है, नौकरी भी है, फिर भी किसी चीज की कमी है। तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ मैं, बाइक चलाते वक्त पीछे से पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए खालीपन लग रहा है ना। ये क्या है वरुण, तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है फिर भी आवारा दोस्तों के साथ घूम रहा है, अबे थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा। हाँ टकले, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे अगले नुक्कड़ पे ऋतिक और जॉन दोनों बाइक पे इसका इंतजार कर रहे हैं। धंधे पे ध्यान दे। हद हो गई। ये कमी तभी पूरी होगी जब वो मेरी जिंदगी में आएगी। अरे हेमा यार, 10 दिन हो गए उसे देख नहीं पाया, अब तो रहा भी नहीं जा रहा। ये बात मुझे नहीं, हेमा को बोल। बिल्कुल सही बोल रहा है तू, और मेरी तो लाइफ सेट ही हो गई है ना, बाइक है, नौकरी है, आज तो प्रपोज मार ही डालूंगा। हेमा, कॉलेज जा रही हो? आओ बैठो, ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों? अगर किसी ने देख लिया तो? देखा तो क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, करती हो ना प्यार? फिर क्या डरना, दोनों प्रेम दीवाने बाइक पर बैठ के पूरे शहर का चक्कर लगाएंगे। आओ। अरे ए लौटा, अब जाना कब प्रपोज करेगा यार? उसी की तैयारी में लगा था, डिस्टर्ब कर दिया तूने। उसकी तैयारी? आई लव यू बोलना है या कलेक्टर बनना है?
ऐसा डायलॉग बोलना चाहता हूँ जो दंगल से भी बड़ा हिट हो। तो तुझे 3 साल और लगेंगे। अरे जाना, जाके आई लव यू तो बोलना है। थोड़ी देर चुप रहना यार। ठीक है, मैं चलता हूँ। हेमा, आई लव यू। अगर तुम भी प्यार करती हो तो बाइक पर बैठ जाओ, नहीं तो जाओ बस में धक्के खाओ। पर डिलीवरी तुझे कितना मिलता है? 3,000 भाई। और हर ट्रिप के लिए पुलिस कितना टिप देती? मुझे नहीं पता भाई। तेरे को मैं उल्लू लग रहा हूँ? झूठ बोल रहा है। तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपनी बाइक से करता हूँ। आजकल वो नया कमिश्नर है ना, वो आप पर नजर रख रहा है। हाँ रख तो रहा है, लेकिन अपनी आंखों से नहीं, तेरी आंखों से। अबे टकले, तू मेरी टिप दे रहा है? टिप पर कहेंगे खबरी, अब तू खबर देने लायक ही नहीं बचेगा। भाई मैं देखता हूँ। यार ए भाई, अपनी गाड़ी को साइड में लगा।